हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मुहर्रम का महीना चल रहा है, इसलिए आज हम बना रहे हैं चोंगे। हमें इसके लिए यहाँ पर मैं ली हूँ आधा किलो मैदे का आटा। इसमें हम एक अंडा डालेंगे, आधा चम्मच बेकिंग पाउडर, अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अंडे को अच्छे से बेक लेंगे 5 मिनट तक। अंडे को इसमें आटे में डाल देंगे। 1 कप इसमें दूध डालेंगे। गरम करके डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसको भून लेंगे। को हमने अच्छे से गूंद लिए हैं, इसको हम 1 घंटे के लिए ढककर ढक देंगे। अब हम यहाँ पर फेन बना लेंगे। चावल का आटा हो तो चावल का आटा लेंगे, नहीं तो कॉर्नफ्लोर आटा लेकर हम फेन बना लेंगे। 3 टेबलस्पून आटा ली हूँ मैं। इसमें हम मक्खन भी डाल सकते हैं, घी भी डाल सकते हैं, ऑयल भी जार डाल सकते हैं गरम करके। चौड़ा वाला प्लेट लेकर इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये ऐसे ही हम इसको प्लेट लेंगे 5-6 मिनट तक। ऐसे ही हाथ से हम इसको प्लेट लेंगे। ये हमारा आटा अच्छे से मिल चुका है। अब हम इसकी रोटियां भी लेंगे। हम रोटी बना लेंगे, ऐसे 4-5 रोटियां बना लेंगे पतले पतले। ये ऐसे पतले में यहाँ बेल लेनी है, ऐसे ही और 3-4 रोटियां बेल लेंगे। 5 रोटियां मैं बेल ली हूँ। अब इसको फ्लेम लगा लूंगी। इसको हम कट कर लेंगे जितना साइज हमें चाहिए चोंगे का, उतने हम कट कर लेंगे
क्रिस्पी हो गए हैं। इसको हम शक्कर पीसकर इसके ऊपर लगाएंगे। मैं शक्कर पीस ली हूँ यहाँ पर, ऊपर हम अब लगाएंगे। काफी क्रिस्पी मज़ेदार होते हैं चुंगे, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। हमारे चुंगे रेडी हो चुके हैं। ऐसे ही मज़ेदार डिशेज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।